मोदी जी लाए हैं नारी शक्ति का वंदन बिल, पूरे भारत की महिलाओं का खुश है दिल, सारे विरोधी अब हो जाएंगे किल, अच्छी सेहत के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पिल, क्योंकि देश की जनता घमंडिया गठबंधन को करेगी नील, मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी, महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ, महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। सभापति महोदय, प्लीज, मैं बहुत बार गया हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, प्लीज। सभापति महोदय, मैं बहुत बार जाकर आया हूँ रूस, लेकिन महिला बिल के कारण मैं आज बहुत ही हूँ खुश। प्लीज प्लीज राजीव जी, प्लीज आप बोले। तो आज मैं अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, उप सभापति महोदय, अब मजबूत हो जाएगी नारी शक्ति, सभी महिलाओं को मिल जाएगी मुक्ति, महिलाओं की गाड़ी अब नहीं कहीं भी रुकेगी, महिलाओं की गाड़ी अब कहीं भी नहीं रुकेगी, महिलाएं अब किसी के सामने नहीं झुकेगी, सशक्त हो गई है नारी, सशक्त हो गई है नारी, वो पड़ जाएगी हम सभी को भारी। लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, लोकसभा विधानसभा में महिलाएं अच्छी खेलेगी पारी, और मोदी जी के साथ अब आएगी महिलाएं सारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज को आपस में मत लड़ाओ, महिलाओं को उनके काम में मत अड़ाओ, महिलाओं पर अन्याय करने वालों पर गाड़ी चढ़ाओ। मोदी है तो मुमकिन है, yes, yes. मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं तो मुमकिन नहीं, मोदी है तो विकास है, मोदी नहीं तो विकास नहीं, मोदी है इसलिए नया संसद भवन है, मोदी है इसलिए नया संसद भवन है, मोदी नहीं तो नया संसद भवन नहीं, मोदी है तो G20 की अध्यक्षता है, लेकिन मोदी नहीं तो अध्यक्षता नहीं, मोदी है तो सामाजिक न्याय है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, प्लीज। मोदी है तो सामाजिक न्याय है, मोदी नहीं तो सामाजिक न्याय नहीं, प्लीज प्लीज टेक योर सीट, डू नॉट प्लीज, आप बोलो। हाँ उप सभापति महोदय, महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, महिला बिल का समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं कई साल महिलाओं के लिए लड़ा हूँ। मोदी जी का ये निर्णय, आपका समय खत्म हो रहा है, आप मोदी जी का ये निर्णय बहुत ही बड़ा है। माननीय जी कंक्लूड, समय खत्म हो रहा है, मैं खड़ा हूँ, समय खत्म हो रहा है आपका, प्लीज समय खत्म हो रहा है, प्लीज कंक्लूड बोलना है ना। मोदी जी लाए हैं नारी शक्ति का वंदन बिल, पूरे भारत की महिलाओं का खुश है दिल, सारे विरोधी अब हो जाएंगे किल, अच्छी सेहत के लिए उन्हें लेनी पड़ेगी पिल, क्योंकि देश की जनता घमंडिया गठबंधन को करेगी नील। माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। विकास की स्पीड और स्किल और विकसित भारत बनने की आशा, अब माननीय अठावले जी, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज कंक्लूड। मुझे लगता है कि जो बिल है, आपका समय खत्म हो गया, मैं दूसरे को बुला रहा हूँ। नो 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 नो, आई विल नॉट अलाउ। जो महिला आरक्षण बिल जो है, महिला आरक्षण विधेयक को लाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका और उनके योगदान भारत की जनता पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल 11 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में पेश किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1948 में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा
हिंदू कोड बिल विकसित करने के लिए गठित उप समिति का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 9 अप्रैल 1948 को एक चयन समिति द्वारा भेजा गया था। 4 साल के विचार विमर्श के बाद यह अनिर्णायक रहा। उनके अपने शब्दों में उन्होंने बोला था, मार डाला और अप्रयुक्त और गुमनाम होकर मर गए। स्वतंत्र भारतीय संसद में थैंक यू पर थैंक यू, यह सबसे लंबी बहस थी। अठावले जी थैंक यू, मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ।